नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के ताजा मौसम समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों, यूपी बिहार से दिल्ली तक के राज्यों में आ रहा है भयंकर तूफान। कहां होगी बारिश, कहां पड़ेगी भयंकर गर्मी, कौन कौन से राज्य में मौसम कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आप भी भारत के किसी भी राज्य, गाँव या जिला में रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दे और नीचे कमेंट करके अपने राज्य, अपने गाँव का नाम जरूर लिखे, ताकि आपके राज्य, जिला और गांव से जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको ला कर देते रहे। दोस्तों, बात करें तो आईएमडी के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत एवं उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिलेगा, जिसे देखते हुए येलो एवं ऑनरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों एवं आसपास के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश की आशंका है। वहीं 5 और 7 अप्रैल को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं त्रिपुरा में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश आएगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में गर्ज और बिजली के साथ तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड के कई इलाकों में नए चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिलेगा। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान चक्रवाती तूफान सक्रिय होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आईएमडी ने विदर्भ, सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा में ऑनरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 6 से 8 अप्रैल तक हल्की बारिश के साथ तेज आंधी के साथ ओले गिरने की आशंका है। वहीं उड़ीसा और झारखंड में 7 अप्रैल तक भयंकर बारिश, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी है। वहीं मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज तूफान के साथ आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। यहां पर 7 अप्रैल तक लगातार मौसम ऐसा ही बना रहेगा। वहीं दक्षिण तटीय कर्नाटक में अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश की आशंका है। इसके साथ ही तमिलनाडु, केरल के कई हिस्सों में व्यापक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने बताया कि क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। वहीं कई जगहों पर येलो एवं ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल के पहले सप्ताह में मौसम में यह बदलाव आएगा, जिसकी वजह से कई इलाकों में आंधी, तूफान और बारिश का दौर देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलेगा। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में तेज बारिश की चेतावनी है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालगढ़ जिलों के लिए ऑन रेंज जारी किया गया है। उत्तराखंड के लोगों को अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो 6 अप्रैल तक बारिश का दौर जारी रहेगा। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए चमोली प्रशासन ने कई जगहों पर तेज आंधी, तूफान और बारिश का ऑन रेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग की बात करें कौन कौन से राज्यों में कैसा मौसम रहेगा, तो इस वीडियो में आपको आगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड समेत तमाम राज्यों की जानकारी देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। बारिश के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज, यूपी समेत कई हिस्सों में तेज आंधी, तूफान, बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बदलाव, कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश आएगी। इस वीडियो में आपको आगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत तमाम राज्यों की जानकारी देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका जताई है। प्रयागराज, ललितपुर, झांसी, महोबा, प्रतापगढ़, कानपुर देहात, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, संत रविदास नगर, फतेहपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर, कौसाम्बी और चंदौली के कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, तूफान चलने और बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अब मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो जाएगा। तेज आंधी तूफान के साथ कई जिलों में बारिश की आशंका है। 15 जिलों में मौसम विभाग ने येलो जारी किया है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 7 अप्रैल तक कई इलाकों में हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, सेढ़ोल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़,
बैतूल, शाजापुर, सिंगरौली, सीधी रीवा, सतना, मोगंज, मेहर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, पंढोर, दमोह, छत्रपुर, टीकमगढ़, सहडोल, उमरिया, टिंडोरी, कटन, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, सागर जिलों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर, रीवा, सहडोल संभाग के जिलों में, राजगढ़, बैतूल, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, छत्रपुर जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया में तेज आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं नर्मदापुरम, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी के कई हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने और बारिश की आशंका जाहिर की गई है। अगर बात करें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के मौसम की, तो यहां पर भी मौसम का मिजाज बदलेगा। राजस्थान के कई हिस्सों में ओले गिरने की आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है। मौसम विभाग के मुताबिक दो दिन पहले एक्टिव हुए पश्चिम विक्षोभ के कारण राज्य के कुछ इलाकों में बादल छाए रहे। इसके साथ ही पश्चिम राजस्थान के कई जगहों पर ठंडी हवाएं चली। मौसम में बड़ा परिवर्तन आया। प्रदेश में पिछले दो दिनों से मौसम में लगातार बदलाव आया है। राजस्थान के करौली, कोटा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, फलौदी, बांका, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व आसपास के कई हिस्सों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने और कई जगहों पर हल्की बारिश की। जो आशंका है वह भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश उत्तराखंड में बीती शाम मौसम का मिजाज बदल गया। देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में 6 अप्रैल तक अलग अलग इलाकों में बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में कई जगह ओलावृष्टि बारिश की संभावना है। वहीं पौड़ी, टिहरी, चमोली, देहरादून, नैनीताल और अल्मोड़ा में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान और बारिश का दौर जारी हो जाएगा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है। आईएम मढ़ी ने कहा कि उड़ीसा, बिहार में तूफानी हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने कहा कि 7 अप्रैल को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की आशंका है। कई जगहों पर 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलेगा। वहीं उत्तरी कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी मौसम में परिवर्तन आएगा और हल्की बारिश की जो आशंका है वो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। तो देश के कई राज्यों के मौसम में लगातार परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों, आज के मौसम समाचार की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ वीडियो को लाइक करना न भूले। धन्यवाद।